करेंगे, तो जहां भी सिंबल भी देखेंगे आप पूरी मैग्नेटिज्म में, वहां तुरंत क्या समझेंगे, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? लाइक किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, मान लो एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो करा दिया, तो कौन सी फील्ड जनरेट होगी? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी डेरिवेशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? कैपिटल बी। ठीक। लेकिन अगर कोई नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की फील्ड नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम कैपिटल एच से मेजर करते हैं, उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। क्योंकि बार मैग्नेट की फील्ड जो है वो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी इंटेंसिटी को हम किस सिंबल से यूज करते हैं? कैपिटल एच से। वो भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, लेकिन इसका नाम बदल करके, इस इंटेंसिटी का नाम बदल करके मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखिए स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करेंट एलिमेंट एट रेफरेंस पॉइंट इज प्रपोर्शनल टू। देखो बेटा, पहले समझ लो, ये करंट कैरिंग वायर है, आई करंट है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने डीएल मान लिया, इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा हमने मान लिया, इस पूरे वायर की लेंथ एल है, तो इसका स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डीएल हो जाएगी। और ये करंट अगर इस एलिमेंट में फ्लो करेगी, सेम करंट, तो करंट, इसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट मान लो बेटा, जैसे सपोज कर लो आप कि ये करंट एलिमेंट है, यहां पे कोई रेफरेंस पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर है, और ये एंगल मान लो, ये करंट, ये एंगल मान लो थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये करंट आई है, लेंथ एलिमेंट एल है। तो बायो सीवर्ट्स लॉ कहता है कि इस करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोपोर्शनल होगी, पहला है डीबी प्रोपोर्शनल टू आई। डीबी सिंबल किसके लिए है? एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड के लिए। भाई छोटे से टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगी, और स्मॉल के लिए हम डीबी यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? दूसरा जो स्टेटमेंट है बायो सीवर्ट्स लॉ का, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल है, करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट के प्रोपोर्शनल है, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, जहां पे थीटा क्या है? बिल्कुल, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट। ये जो करंट एलिमेंट है, इससे पॉइंट का इंक्लिनेशन कितना है? प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथा पॉइंट है बच्चों, डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r2। डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r2। डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r2। ये बायो सीवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है, और अगर इन चारों को कंबाइन कर दें तो क्या होगा? डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। इन चारों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर बेटा? अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी के को हटाने के लिए हमें यहां एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है बच्चों, डीबी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्मॉल के ले लेते हैं, आइडियल साइन थीटा बाई इतना आप नोट कर लो, तो मैं थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लेन करूंगा इसको। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लिखी है वो एक स्मॉल करंट एलिमेंट की लिखी है, ठीक? किसकी लिखी है? स्मॉल करंट एलिमेंट की लिखी है। तो अब आप पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो अगर पूरे करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड बी लिखे बच्चों, तो ये हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, लिख लीजिए, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग वायर, होल करंट कैरिंग वायर। देखो बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्ट अगर हम बी लिखना चाहते हैं तो हम बी लिखेंगे, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी, और इसको लिख देंगे स्मॉल के आई इंटीग्रेशन डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट फार्मूला, दिस इज बायो सेवर्ट फार्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज बायो सेवर्ट्स फार्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। इज दिस क्लियर बेटा? अच्छा, एक बात यहां पे आपको बताना जरूरी है बच्चों, लिख लीजिए, हियर स्मॉल के इज मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट, हियर स्मॉल के इज मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल के की वैल्यू म्यू बाई फोर पाई होती है, और ये म्यू बाई फोर पाई चार पार्ट में डिवाइडेड है, म्यू नॉट म्यू आर बाई फोर पाई, दूसरा पार्ट है म्यू नॉट बाई फोर पाई जिसकी वैल्यू 10^-7, ये वाला इधर लिखो मैं बता देता हूं, ये ऐसा, ये मीडियम अगर प्रेजेंट है एसआई सिस्टम में तो यूज होगा, और अगर एयर का केस है न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ये एयर के लिए, ये दोनों एसआई सिस्टम में यूज होते हैं बच्चों। अगर हम तीसरी वैल्यू देखें तो सिंपली म्यू आर है, और चौथी और लास्ट वैल्यू है तो वन है, ये जो है मीडियम और एयर के लिए किस सिस्टम में है? इस तरह से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की चार वैल्यूज बताई थी मैंने कूलम्स लॉ में, उसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट की भी चार वैल्यूज पॉसिबल है। बेटा नोटेड, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की पहली वैल्यू मैंने 1/4πε बताई थी, और इसकी चार वैल्यू बताई थी, 1/4πε0εr, 1/4πε0, 1/εr और 1, याद है ना? उसी तरह से यहां पे म्यू को कहते, वहां एप्सिलॉन को क्या कहते थे? परमिटिविटी। क्या कहते थे? परमिटिविटी। और यहां पे म्यू को कहते हैं बच्चों परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? परमिएबिलिटी। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, म्यू को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। म्यू नॉट को क्या कहते हैं बताइए? एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
क्या वैल्यू होती थी? 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट को कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों, लिख लीजिए म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 पावर माइनस 7 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर। अच्छा म्यू आर को क्या कहते हैं, क्या नाम हो सकता है ये बताओ? बिल्कुल, एप्सिलॉन आर को क्या बताया था? रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको आप लिख लीजिए म्यू आर को रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक ना। अच्छा रिलेटिव परमेबिलिटी, एक बात बताओ बच्चों, म्यू म्यू नॉट और म्यू आर में क्या रिलेशन है? म्यू म्यू नॉट और म्यू आर में क्या रिलेशन है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता था, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता था, वैसे यहां पे आप म्यू को इससे कंपेयर कर दो, ये और ये कंपेयर कर दो, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, लिख लो नीचे आप म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ये रिलेशन है, क्लियर ना। तो बायो सीवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट समझ में आ गया बच्चों, बायो सीवर्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया, ये सारे कॉन्स्टेंट समझ में आ गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बायो सीवर्ट्स लॉ को थोड़ा एनालाइज करते हैं, केस वन लिखिए, बायो सीवर्ट्स लॉ का केस वन, बायो सीवर्ट्स लॉ का केस वन, बायो सीवर्ट्स लॉ का केस वन, केस वन है बच्चों, केस वन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री आर 180 डिग्री, क्या मतलब? देखिए अभी हम लोगों ने इस करंट एलिमेंट के इंक्लाइंड पॉइंट पर फार्मूला लिखा है, अभी हम लोगों ने लिखा थीटा जीरो होगा तो ये पॉइंट कहां होगा, अगर थीटा जीरो ले लें तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा? वायर पे, यहां जाएगा, कोई दिक्कत भाई? थीटा जब आप जीरो लोगे तो ये पॉइंट वायर के एक्सिस पे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी? साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कोई दिक्कत? एनी डाउट? अच्छा अगर थीटा 180 लेते हैं बच्चों तो ये पॉइंट कहां जाएगा? थीटा अगर 180 लेते हैं तो यहां से घूम करके यहां आ जाएगा, यानी वायर की एक्सिस पे आ जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू जीरो, साइन 180 की वैल्यू जीरो, इसका मतलब कि करंट कैरिंग वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो क्या क्लियर हुआ कि करंट कैरिंग वायर की सीध में पॉइंट कहीं भी पड़ेगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होगी? जीरो। देख लीजिए ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इज दिस क्लियर बेटा? ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अगर केस टू हम लेते हैं, केस टू थीटा 90 के लिए, ये वैल्यू मिनिमम हो गई, ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू हो गई थीटा 90 के लिए बच्चों,
क्या होगा बी, बी मैक्स होगा कितना, स्मॉल के आई इंटीग्रेशन डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे, यानी पॉइंट एक्सिस पे ना हो, यहां पे हो, 90 डिग्री पे हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इज दिस बायो सेवर्ट्स लॉ क्लियर? अब इस पर कुछ न्यूमेरिक कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हेडिंग डाल दो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ना, राइट हैंड थंब रूल याद है, RHTR, राइट हैंड थंब रूल। क्या बताया गया था कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और यहां पे पॉइंट है, तो हम क्या करते थे RHTR में, क्या करते थे, राइट हैंड पाम के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते थे और वायर को पकड़ने की कोशिश करते थे, ऐसे रख दिया वायर को पकड़ने के लिए, कर्लिंग अंदर करेंगे हम, फिंगर्स को अंदर मोड़ेंगे, तो इस पॉइंट, चूंकि फिंगर अंदर मोड़ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा यानी क्रॉस होगा। एक कॉन्सेप्ट तो बताया गया था, इज दिस क्लियर? अगर पॉइंट मान लीजिए क्यू यहां पे है, तो पॉइंट क्यू अगर यहां पे है तो क्या डायरेक्शन होगा, देखिए ऐसे रखेंगे, इधर से मोड़ते हुए आएंगे, तो इस पॉइंट पे जब आएंगे तो बाहर की तरफ, वायर को पकड़ने के लिए बाहर की तरफ मोड़ेंगे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट हो जाएगी, यानी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो जाएगी। ये 10th क्लास में राइट हैंड थंब रूल बताया गया, ठीक है, लेकिन राइट हैंड थंब रूल 12th क्लास में ना तो पूछा जाएगा और ना आपको अप्लाई करने की जरूरत है, आपको न्यूमेरिकल सीधा आएगा, तो आपको इतना ट्विस्टिंग की जरूरत नहीं है। दो तीन वायर एक साथ दे दिए अगर, तो उसमें आप कर्लिंग ही करते रह जाओ। बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूं, उसी को आप यूज करिएगा, तुरंत आ जाएगा, आप सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोई RHTR जो है वो 10th लेवल तक भी एप्लीकेबल है। न्यूमेरिकल्स में मान लीजिए 3D प्लेन के क्वेश्चन है, XYZ प्लेन में वायर रखा है और फिर आपको ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तब तो आप कर्लिंग ही करते रह जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, ध्यान से देखो, करना ये है, बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिएगा। मान लीजिए जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ठीक, आप क्या करिए, राइट हैंड को भूल जाइए, लेफ्ट हैंड पाम याद रखिए, लेफ्ट हैंड पाम यही है ना, लेफ्ट हैंड पाम यही है, इसकी फिंगर्स को करंट की तरफ रखिए, रख दिया आपने, करंट ऊपर है, ऐसे रख दिया, थंब को पॉइंट की तरफ कीजिए, पॉइंट किधर है, दाहिनी तरफ, तो हमें थंब किधर करना पड़ेगा, दाहिनी तरफ, ऐसे करना पड़ेगा, और जब ऐसे करेंगे तो हथेली जो है, पाम जो है वो इनवर्ट है भाई, जैसे ऐसे था, पाम जो है, हथेली जो है किधर है, देखिए ऐसे था, ऐसे किया, अंदर हो गई, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर का मतलब क्या है, क्रॉस अगर सिंबल है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इनवर्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डॉट है तो बच्चों आउटवर्ड, ये दोनों लिख लीजिए। क्वेश्चंस इतने करा दूंगा कि देखते ही आप बता देंगे फील्ड का क्या डायरेक्शन। डॉट फील्ड क्रॉस फील्ड है ना, क्रॉस फील्ड मींस इनवर्ट फील्ड और डॉट फील्ड मींस आउटवर्ड फील्ड। अब जैसे देखो बच्चों, मान लो यहां तो आपने बताया क्रॉस है, मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है, तो अब आप कैसे रखोगे,
ऐसे आपने किया, यही है ना, आपने ऐसे था, पहले ऐसे था इन्वर्ट था, अब आपको थंब को पॉइंट की तरफ ऐसे करना पड़ेगा, हथेली किधर आ गई, बाहर आ गई, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट हो गई बेटा इस पॉइंट पे, बस इतना ही याद रखना। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो, लिख लो बल्कि भूलना मिलती है, लेफ्ट हैंड्स फिंगर्स, लेफ्ट हैंड्स फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करेंट, थंब टुवर्ड्स पॉइंट पाम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आपने डायरेक्शन समझा है इसी के लिए पूछता हूं। जैसे क्वेश्चन ये है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक वायर ये रखा है ऐसे और इसको मोड़ दिया ऐसे, दूसरा वायर ये रखा है और इसको मोड़ दिया ऐसे, यहां से मोड़ दिया ऐसे, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये पॉइंट पी है, करंट आई है, मान लो ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है, ये थर्ड वायर का पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, पी वन कितना है बच्चों, इस एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड बताना है, एट पॉइंट पी पी वन कितना है, आप में से कौन बताएगा, फर्स्ट वायर की फील्ड कितनी है, ये जो फर्स्ट पोर्शन है वायर का इसकी फील्ड पॉइंट पी पे कितनी है, जीरो, कॉन्फिडेंटली बोलो, ठीक है, बिल्कुल जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पे पॉइंट है, अभी बताया ना, ये करंट कैरिंग वायर है इसकी एक्सिस पे पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पॉइंट पी पर फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, जीरो है, कोई दिक्कत, क्लियर? अच्छा, आप मुझे B3, क्या मैं B3 को जीरो ले सकता हूं, B3 ऑल्सो जीरो।